इट इज़ कॉमन फिना कि हम लोग या मोस्टली लोग जो हैं वो अंधेरे से डरते हैं ठीक है तो ऐसा डर अगर अंधेरा है और आप अकेले जाने से घबरा रहे हैं मगर आपको ये पता है कि ये अंधेरा है और आई कैन गो इन साइड तो ये तो फियर है जो कि नेचुरल है और रियलिस्टिक है किसी हद हाँ तक क्योंकि हमें यह नहीं पता कि चूंकि अंधेरा है तो अंदर क्या क्या चीज़ें हैं लेकिन फिर भी हम हाथ से टच करते हुए अंदर जा सकते हैं अगर तो इस हद तक आपको फियर है कि यू कैन गो इन तो इसको हम सिंपल फियर कहेंगे मगर अगर आपको उस अंधेरे के अंदर जाने से इतनी घबराहट हो रही है कि आप उसके अंदर जा ही नहीं सकते और आपको अगर कोई चीज़ अंदर से लेनी है बट यू कैन नॉट गो इन साइड एंड यू स्टैंड आउटसाइड और उसकी वजह से आपकी जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं वो डिसफंक्शनल हो रही हैं तो फिर वो फोबिया कहलाता है ठीक है किसी भी चीज़ की एक्सटेंट इतनी ज़्यादा हो जाना कि वो आपको डिसफंक्शनल कर दे फॉर कैरिंग आउट योर डिफरेंट टास्क तो वो हम फोबिया कहते हैं उसे या आप इसको यूं भी समझ सकते हैं कि जिस तरह अगर आप आ, 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 बोट है और आप एक शख्स जो है उस बोट के ऊपर बैठना चाहता है लेकिन वो इस खौफ से नहीं बैठ बैठ पा रहा कि वो अगर इसमें बैठेगा तो वो गिर जाएगा या वो डूब जाएगा पानी के अंदर ठीक है और इसकी वजह से वो अपने दोस्तों के साथ ना सी साइड पर जा सकता है ना किसी और ऐसी जगह पर जा सकता है जहाँ पर डीप वाटर हो लेकिन अगर आप किसी ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर डीप वाटर है और जहाँ पर बोट है बट यू आर जस्ट राइट एंड कि मैं अगर इसमें बैठूंगा तो शायद मैं गिर जाऊँ लेकिन विद योर फ्रेंड्स एंड विद योर अदर कैन सेट इन दैट थिंग तो इट इज़ द फियर ठीक है विद यू कैन बी ओवरकम लेकिन जो अम, फोबिया है उसको ओवरकम करना जो है वो नामुमकिन सी बात होती है और इसमें दूसरी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो शख्स है उसे इस बात का पता होगा कि मेरा फोबिया या मेरा जो फियर है वो अनरियलिस्टिक है और वो इतना ज़्यादा मुझे उससे डरने की ज़रूरत नहीं है जबकि बाकी सब लोग वो काम कर रहे हैं ठीक है अब जब हम फ़ियर और फोबिया का कंपैरिज़न करते हैं तो इसमें नंबर वन थिंग जो है वो यही है कि फ़ियर हम सब लोग डिफरेंट uh, लेवल्स के ऊपर एक्सपीरियंस करते हैं और जो फोबिया है वो बेसिकली एक एन्जाइटी डिसऑर्डर है और वो एक्सेसिव और परसिस्टेंट फियर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है यानी ये एक सिचुएशन में या दो सिचुएशंस में नहीं होता बल्कि ये कंटिन्यूस रहता है और ये डिफरेंट सिचुएशंस में परसिस्टेंट रहता है यानी अगर वो आज अपनी मदर के साथ है तो आप ये नहीं कह सकते कि वो वो सिचुएशन जिससे वो डरता है वो उसको ओवरकम कर लेगा नहीं वो नहीं कर सकेगा चाहे उसके साथ कोई भी हो दैन फिर uh, uh, जो है uh, जब भी हम कोई अन नॉन डेंजरस सिचुएशन फील करते हैं मिसाल के तौर पर आप अगर किसी आ, हिली एरिया में जा रहे हैं और एकदम से कोई स्टीप आ गई है तो वी ऑल फील फ्राइटेंड ठीक है लेकिन आ, जो फोबिक पर्सन होगा आ, वो किसी भी ऐसी जगह पे जा ही नहीं सकेगा अगर उसे स्टीप का फियर होगा ठीक है तो उसे हमेशा यही थॉट आएगा कि अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो मैं वहाँ गिर जाऊँगा और मुझे वहाँ पे बहुत डर लगता है आई कॉन्ट गो दया ठीक है तो वो इतनी ज़्यादा इर्रेशनल उसका फियर होगा और उसके अंदर उसकी इतनी एनर्जी लग रही होगी कि वो उसको ओवरकम नहीं कर सकेगा जो फियर है उसके अंदर हम सबको नर्वसनेस होती है एन्जाइटी होती है डिसकम्फर्ट होते हैं हम लोग लेकिन जो फोबिया होता है उसके अंदर जो हमारे फिजिकल सिम्टम्स होते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं और उसमें जिसना टाकेकारिया है जिसमें आपका हार्ट जो है वो बहुत तेज़ी से रेस कर रहा होता है आपकी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है डिजीनेस होती है आ, वो जो सारी चीज़ें हैं वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे चली जाती हैं एंड द पर्सन इज़ अनएबल टू मूव और टू गो टू डू दैट थिंग उसके uh, हिसाब से वो चीज़ें नहीं हो रही होती तेर के अंदर मोस्टली हमें किसी किस्म की मेडिकल इंटरवेंशन की या मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती जबकि फोबिया में हमें मेडिकल हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है और इसके लिए डिफरेंट uh, किस्म की uh, जो मेडिसिन हैं वो अवेलेबल होती हैं जिससे फोबिया को कंट्रोल किया जाता है इसके अलावा प्रॉपर साइकोथेरापी पॉग्नेटिव बिहेवियर थेरेपी या बिहेवियर थेरेपी जो है वो यूज़ की जाती है टू मैनेज द फोबिक कंडीशंस थैंक यू